उत्तराखंड के बाद चीन की सेना ने एक बार फिर से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की है। इस बार चीन की सेना के निशाने पर भारत का अरुणाचल प्रदेश रहा। चीन इसे अपना दक्षिणी तिब्बत बताता रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश में चीन के करीब 200 सैनिक तिब्बत की तरफ से घुस आए। LAC पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच काफी देर तक झड़प हुई। इसके बाद चीनी सैनिक वापस लौट गए। चीन अरुणाचल प्रदेश को लेकर लगातार अपनी जंगी तैयारी को बढ़ा रहा है। यही नहीं, चीन सरकार के लिए दुष्प्रचार करने वाली बीजिंग की न्यूज वेबसाइट सोहू ने दावा किया था कि चीन वर्ष 2040 तक अरुणाचल प्रदेश पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। सोहू ने यह विवादित लेख वर्ष 2013 में लिखा था। हालांकि अब यह सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। इसमें कहा गया है कि चीन वर्ष 2020 से लेकर 2060 के बीच में ताइवान, भारत, जापान और रूस से सैन्य मुठभेड़ की तैयारी कर रहा है। इसमें कहा गया है कि चीन का मकसद 2025 तक ताइवान पर कब्जा कर लेना है। चीन सरकार का गुणगान करने वाला यह लेख चर्चा का विषय बना हुआ है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन वर्ष 2035 से 40 के बीच में अरुणाचल प्रदेश को फिर से जीतने के लिए प्रयास करेगा। इस रिपोर्ट में खुलेआम सुझाव दिया गया है कि चीन भारत के कई टुकड़े करने की रणनीति पर काम कर सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर चीन असफल रहता है तो वह भारत और पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर युद्ध के लिए उकसा सकता है। भारतीय सेना जब पाकिस्तान से कश्मीर को बचाने के लिए प्रयास कर रही होगी, उसी समय चीन अरुणाचल प्रदेश पर धावा बोलकर उसे अपने कब्जे में कर लेगा। सोहू ने कहा कि चीन सबसे पहले ताइवान की सरकार को एकीकरण के लिए चेतावनी देगी। उसके बाद वर्ष 2020 से 25 के बीच में ताइवान के साथ जंग के लिए जा सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर अमेरिका और जापान हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो 3 महीने में चीन का ताइवान पर कब्जा हो जाएगा। चीन के राष्ट्रपति लगातार ताइवान को परिणाम भुगतने की धमकी देते रहे हैं। वहीं अमेरिका लगातार चीन की सेना को नए नए हथियार और प्रशिक्षण दे रहा है। इस लेख में कहा गया है कि ताइवान पर कब्जे के बाद वर्ष 2025 में चीन के एजेंडे पर स्पॉटलेट द्वीप आएगा। इस विवादित द्वीप पर कई देश दावा करते हैं। सोहू ने अपनी खबर में यह भी कहा है कि अमेरिका सीधे तौर पर चीन से नहीं भिड़ेगा। अमेरिका वियतनाम और फिलीपींस को जंग के लिए उकसाएगा। अमेरिका के दूर रहने की वजह ताइवान होगा। ताइवान पर अमेरिका पहले ही मात खा चुका होगा। सोहू के मुताबिक चीन की महत्वाकांक्षा सेनकाकू द्वीप समूह पर भी कब्जा करने की है। यह द्वीप अभी जापान के नियंत्रण में है। इसके लिए चीन वर्ष 2040 से 50 के बीच में चौथा युद्ध शुरू करेगा। इसके बाद उसकी बाहरी मंगोलिया को लेकर के कार्रवाई शुरू होगी। यह कार्रवाई साल 2045 से 2050 के बीच में होगी। सबसे अंत में चीन रूस के साथ जंग में आएगा, जो अभी उसका करीबी दोस्त है। वर्ष 2055 से 60 के बीच में रूस और चीन के बीच जंग हो सकती है। सोहू ने दावा किया कि इस जंग में चीनी सेना रूस को मात दे देगी। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए शैलेश शुक्ला की रिपोर्ट।